गोंडा कलेक्टर के उत्तर प्रदेश के शिक्षक के संघ बैनर तले माननीय अजीत सिंह ने जिला संयोजक के शिक्षा महासंघ गोंडा के कलेक्टर के शिक्षा महासंघ के धरने को संबोधित करने के हुए प्रेरक विरोध किया है। जिन्होंने बताया कि इस व्यक्तिगत डेटा की लीक होने पर भी डर है, इसलिए इसका विरोध करते हैं और सरकार की मांग करते हैं कि इसे वापस लाया जाए। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम लखनऊ के विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। वही पत्रकारों के पक्ष में भी सरकार के शिक्षकों के द्वारा उपस्थित संचर करने वाले के प्रेरणा के लागू कराया जाएगा। और वही इस तो सवाल पर जवाब देते हुए वह श्री सिंह ने बताया कि सरकार को शिक्षकों के प्रति अवश्य से होगा और तभी से उन्होंने उपस्थित सृष्टि करने के लिए प्रेरणा के ऐप का प्रयोग करने का कहा है, जबकि शिक्षक समाज में रीढ़ है और वही शिक्षकों पर सरकार के विश्राम करना चाहिए। उनके मान सम्मान को भी ध्यान में रखते हुए प्रेरणा ऐप को वापस लिया जाना चाहिए। प्रेरणा ऐप जो है जिससे हमारा व्यक्तिगत डाटा लीक हो जाएगा, उसके विरोध में यह है। शेष हमारी मांगों में पुरानी पेंशन बहाल जो 2005 के बाद शिक्षक कर्मचारी में है तो पुरानी पेंशन नहीं मिलती है, हमें कैसे चिकित्सा सुविधा चाहिए। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जहां आम शिक्षक 2-4 लाख रुपये खर्च हो रहा है, दवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकता है, तो हमारी कैसे चिकित्सा सुविधा चाहिए। हमारे प्राथमिक में बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं बने हैं जो बहुत दूरांचल, आज यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी पर से बलिया है, बनारस है, आगरा है, वहाँ से कार्यरत हैं, उनका एकल ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। कम से कम वो अपने क्षेत्र में जाए तो जिससे वो अपने परिवार को भी भरण पोषण कर सकें और बेहतर शिक्षा दे सकें। और इसी के साथ साथ हमारे जो तदर शिक्षक हैं प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में, आज 20 वर्ष हो गया 2000 के बाद से 19 लगा हुआ है, आयोग के द्वारा कोई चयनित शिक्षक नहीं आ रहा है। 20 वर्षों से हमारे तदर शिक्षक कार्यरत हैं, वो आयोग से अगर कोई नहीं आ रहा है, योग्यताधारी है, उन्हें विनियमित किया जाए। सर, सरकार कह रही है कि आपकी हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरणा आयोग उसने लागू किया है, सरकार का यह कहना है? हम ये कह रहे हैं कि हाजिरी सुनिश्चित करने लागू किया गया है तो और कोई व्यवस्था नहीं थी क्या? अगर हाजिरी क्या अविश्वास हो गया शिक्षकों के प्रति? अविश्वास हो गया, शिक्षकों ने डॉक्टर बनाया, शिक्षकों ने इंजीनियर बनाया, आज शिक्षकों मांगे न माने का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि शिक्षक महासंघ इसमें आ गया है जिसकी संख्या 18 लाख है, तो 18 लाख की संख्या में शिक्षक महासंघ है। अभी तक तो ये हुआ है, अगले चरण में महासंघ के आह्वान पर हमारा जनपदों में मशाल जुलूस और आने वाले चरण में पूरे प्रदेश में 18 लाख शिक्षक कर्मचारी जो भी है एक दिन का अवकाश लेकर के जो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर महासंघ के आह्वान पर हम लखनऊ की तरफ कूच करेंगे। तो मुझे तो विश्वास है उसके पहले मांगे मान ली जाएंगी, अगर नहीं मानी जाएंगे तो उस दिन सारे मंत्री आकर के अपनी घोषणा करेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसे हुआ है जो भी मांगे हमको। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।